हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की बुक विस्टास के चैप्टर 6 को, जिसका टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसैन हिल। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, एक प्ले है जिसमें एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है। दोनों मिलते हैं उस ओल्ड मैन के गार्डन में, और वो जो ओल्ड मैन है वो एक फ्रेंडशिप कर लेता है उस बॉय के साथ, लड़के के साथ। वो लड़का जो अलग अलग रहता है, डिफाइंट है, विद्रोही सा है, वो क्या चीज है जो दोनों को बांधती है, दोनों आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। तो ये लेसन कहां से स्टार्ट होता है? पहले सीन वन है, मिस्टर लैम्प्स का गार्डन है। वहां पे ओकेजनल कभी कभी आवाज आ रही है बर्ड सॉन्ग की, बर्ड के चहचहाने की, और ट्री लीव्स के रसलिंग की, जो पेड़ की पत्तियां हैं जो आपस में हवा में वगैरह में हिलती हैं, तो जो आवाज जैसी आती है रसलिंग साउंड वैसा आ रहा है। और वो जो लड़का डेरी है, उसके जो फुटस्टेप्स हैं उनकी आवाज आती है, क्योंकि वो चलता है स्लोली, धीरे धीरे और टेंटिवली, मतलब बड़ा हेजिटेंट तरीके से, जैसे हिचकिचा सा रहा है, ऐसे वो चलता है। लंबी लंबी घास में से वो चल रहा है, ही पॉजेस, वो रुक जाता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा चलने लग जाता है। और कहां पर पहुंच जाता है कि वहां पे झाड़ियों की एक स्क्रीन सी होती है, बड़ी सारी झाड़ियां इकट्ठी सी लगी होती है। When Mr. Lamb speaks to him, जब Mr. Lamb उसके साथ बात करते हैं, he is close at hand and Derry is startled. वो बिल्कुल Derry के पास हैं, पास से बात करते हैं, और जो Derry है वो चौंक जाता है। वो इसलिए चौंक जाता है कि उसे पता नहीं था कि गार्डन के अंदर कोई है। तो अब हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे लेसन में एक्चुअली में एक कन्वर्सेशन है उस लड़के Derry के बीच में और मिस्टर लैम्ब के बीच में। जो मिस्टर लैम्ब है, उस लड़के Derry के जो एक नेगेटिव आउटलुक है उसकी दुनिया के तरफ, एक नकारात्मक जो उसकी सोच है, उस सोच को जो मिस्टर लैम्ब है वो बदल देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, सकारात्मक कर देते हैं। कैसे करते हैं? उसे क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं, और वो जो लड़का है उसकी सोच ऐसी क्यों है, वो हमें लेसन पढ़ने से पता चलेगा। तो अब हम लेसन को पढ़ते हैं। तो मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं? माइंड द एप्पल्स, इन एप्पल्स का ध्यान रखो। डेरी, व्हाट, क्या, हु इज दैट, कौन है, हु इज देयर, कौन है वहां? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, Lambs, my name. Mind the apples. इन apples का जरा ध्यान करो. Crab apples, those are. ये apples सारे crab हैं. Crab apple क्या होते हैं? छोटे होते हैं और थोड़े सार होते हैं, खट्टे होते हैं. इनको हम wild apple भी बोलते हैं, जंगली apple भी बोलते हैं. ये छोटे छोटे होते हैं. तो Mr. Lamb उसे कहते हैं कि ये crab apples हैं. Wind falls in the long grass. हवा तेज चली और ये एप्पल गिर गए लंबी घास में। यू को ट्रिप, तुम स्लिप कर सकते हो, फिसल सकते हो। डेरी आगे से कहता है, आई डियर, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने सोचा ये जगह खाली है। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई है भी। मिस्टर लैम कहते हैं, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम किस चीज से डर रहे हो लड़के? दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डेरी आगे से कहता है, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा ये खाली था, एन एम्प्टी हाउस, और ये घर भी खाली है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सो इट इज, हाँ हाँ ये तो खाली है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, गार्डन में हूँ, इट इज एम्प्टी, इसलिए घर खाली है। Until I go back inside, जब तक मैं अंदर वापस नहीं जाता, in the meantime, I am out here and likely to stop, कुछ समय के लिए मैं बाहर हूँ और बाहर ही रुकने की संभावना है। A day like this, कितना अच्छा दिन है आज, ब्यूटिफुल डे, सुंदर डे है, नॉट ए डे टू बी इनडोर्स, आज तो अंदर रहने का दिन ही नहीं है। Derry पैनिक होकर, घबरा कर कहता है, आई हैव गॉट टू गो, मुझे अब जाना है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण मत चले जाना। I don't mind who comes into the garden. मेरे गार्डन में कोई भी आता है तो मैं माइंड नहीं करता। The gate's always open. गेट हमेशा खुला हुआ है। Only you climbed the garden wall. सिर्फ तुम ही दीवार चढ़कर आए, नहीं तो गेट भी खुला था। Derry angry होकर, गुस्से में, You were watching me. तुम मुझे देख रहे थे। Mr. Lamb, I saw you. हाँ, तुम मुझे दिख गए। But the gate's open. लेकिन गेट खुला हुआ है। All welcome. सबका स्वागत है। You are welcome. तुम्हारा भी स्वागत है। I sit here. मैं यहाँ बैठता हूँ। I like sitting. मुझे बैठना पसंद है। Derry, I had not come to steal anything. मैं कोई चीज चुराने नहीं आया हूँ। Mr. Lamb आगे से कहते हैं, No, no. The young lad steal. छोटे बच्चे चुराते हैं। Scrum the apples. Apples वगैरह चुराते हैं गार्डन से। You are not so young. तुम इतने छोटे नहीं हो। Derry, I just wanted to come in. मैं सिर्फ अंदर आना चाहता था। Into the garden. गार्डन में। Mr. Lamb, so you did. वो तो तुम आ गए। Here we are. देखो हम यहाँ हैं। Derry, you don't know who I am. तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब, अ बॉय 13 और सो, 13 साल के करीब हो गए। डेरी, 14, 14 साल का हूँ।
बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना है, गुड बाय। एस्टेल एम क्या कहते हैं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने का यहाँ कुछ नहीं है, जस्ट ए गार्डन, बस गार्डन है, जस्ट मी, मैं हूँ, डैरी, बट आई एम नॉट, मैं नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। फिर रुक जाता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मेरे से डरते हैं, मिस्टर लैम, व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है भाई, लोग तुम्हारे से क्यों डरते हैं, डैरी, एवरीवन इज, हर कोई डरता है, इट डजंट मैटर हु दे आर, इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है और व्हाट दे से और वो क्या कहते हैं और हाउ दे लुक, वो कैसे दिखाई देते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसे दिखावा करते हैं, आई नो, मुझे पता है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, मिस्टर लैम, सी व्हाट, क्या क्या देख सकते हो, डैरी, व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं, मुझे समझ में आ जाता है, मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन, वो क्या सोचते हैं, डैरी कहता है, यू थिंक देयर इज अ बॉय, तुम सोचते हो यहाँ पे एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मुझे देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, उसके बाद तुम मेरे फेस को देखते हो और तुम सोचते हो, दैट्स बैड, कितना बुरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये भयानक चीज है, दैट्स द अगलीएस्ट थिंग आई एवर सॉ, ये सबसे बद्दी चीज है जो मैंने कभी देखी है, यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर से तुम भी डरे हुए हो, एनीबॉडी वुड, कोई भी डरेगा, आई एम, मैं भी, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे में देखता हूं एंड सी इट, और देखता हूं अपने आप को, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं अपने आप से ही डर जाता हूं, मिस्टर लैम, नो, नॉट द होल ऑफ यू, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे तो तुम नहीं हो, डैरी, यस, फिर बोलना बंद करता है, पोज लेता है, मिस्टर लैम फिर कहते हैं, लेटर ऑन, बाद में, व्हेन इट इज अ बिट कूलर, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, आई विल गेट द लैडर एंड ए स्टिक, मैं अपनी सीढ़ी लाऊंगा और स्टिक को लाऊंगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और गिरा दूंगा, तोड़ लूंगा इन क्रैब एप्पल्स को, दे आर राइप फॉर इट, अब ये पक चुके हैं, आई मेक जेली, मैं इनकी जेली बनाता हूँ, इट्स ए गुड टाइम ऑफ ईयर, ये साल का बहुत अच्छा टाइम है, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर है, लुक एट देम, इन फ्रूट्स को देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, ऑरेंज एंड गोल्डन कलर के हैं, दैट्स अ मैजिक फ्रूट, ये तो मैजिक फ्रूट है, आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स ए बेस्ट पिक्ड एंड मेड इन टू जेली, लेकिन सबसे अच्छा है इन्हें तोड़ा जाए और इनकी जेली बनाई जाए, यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, डैरी, वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं, वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मेरे से पूछते क्यों नहीं, वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू एंड इजेंट देयर, तुम भी ऐसा क्यों कर रहे हो और ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो जो सच नहीं है, इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें देख लूं मुझे देखते हुए और माइंड करूं और अपसेट हो जाऊं, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी, तुम मेरे से नहीं पूछते, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम भी अंदर से डरे हुए हो, मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, डायरेक्ट कहो, डैरी, आई डोंट लाइक बींग विद पीपल, एनी पीपल, मैं तो लोगों के साथ रहना ही पसंद नहीं करता, लोगों के साथ होना ही पसंद नहीं करता, कोई भी लोग हो, मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, मैं ये कहूंगा, आई शुड से यू गॉट बर्नड इन अ फायर, तुम बर्न कहां पे हो गए, तुम कहां जल गए, फायर में, आग में, डैरी, नॉट इन अ फायर, आग में नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, मेरे इस साइड में फेस के एसिड गिर गया और इसने मुझे जला दिया, इट एट माई फेस अप, इसने मेरे फेस को खा लिया, इट एट मी अप, इसने मुझे भी खा लिया, एसिड ने मुझे भी खा लिया, एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब ऐसा ही है, इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, कभी भी अलग नहीं होगा, मिस्टर लैम, नो, नहीं, डैरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम अब इंटरेस्टेड नहीं हो ना, मिस्टर लैम, यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए, Plenty do, काफी सारे लोग आते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन anybody, मैं किसी भी इंसान में इंटरेस्टेड हूं, एनीथिंग, किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हूं, देर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और मुझे इंटरेस्ट ना देती हो, लुक ओवर देयर, वहां पर देखो, और बिसाइड द फॉर वॉल, वो दूर दीवार के पास देखो, वट कैन यू सी, तुम्हें क्या नजर आता है, डैरी कहता है, रबिश, कूड़ा करकट, मिस्टर लैम, रबिश, लुक बॉय, लुक, देखो, व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या नजर आता है,
डेरी जस्ट ग्रास घास है एंड स्टफ वीड्स वीड्स है वहां पर, वीड्स जो जंगली घास होती है अपने आप ही उगाती है और दूसरे पौधों को भी खराब करती है। मिस्टर लैम सम कॉल देम वीड्स, कुछ उन्हें वीड्स बुलाते हैं। इफ यू लाइक अगर तुम भी चाहो तो देन अ वीड गार्डन दैट, फिर तो वो वीड गार्डन है। देर इज अ फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स, वहां पर फ्रूट्स भी हैं वहां पर फ्लावर्स भी हैं, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, वहां पर पेड़ भी हैं जड़ी बूटियां भी हैं, ऑल सोर्ट्स हर तरह की हैं, बट ओवर देयर लेकिन वहां पर वीड्स जंगली घास है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां पर वीड्स उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर, क्यों एक हरा उगने वाला प्लांट उसे वीड कहा जाता है और दूसरे को फ्लावर कहा जाता है? वेयर इज द डिफरेंस, फर्क कहाँ है? इट इज ऑल लाइफ ग्रोइंग, सब में लाइफ तो है, सब में एक जैसी लाइफ है, सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम मैं, बिल्कुल वैसे ही। वो उसको समझा रहे हैं कि हम कैसे भी दिखाई दें, हमारा चेहरा कैसे भी दिखाई दे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन क्या है? लाइफ। तुम में भी लाइफ है, मुझ में भी लाइफ है। डैरी आगे से कहता है, वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं। यू आर यंग, तुम यंग हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा जला हुआ फेस है। आई हैव गॉट ए टिन लेग, और मेरी जो एक लेग है वो टिन की लगी हुई है। नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां खड़े हुए हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हुआ हूं। वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ है? डैरी, वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग, तुम्हारी टिन की लेग क्यों है? मिस्टर लैम आगे से कहते हैं, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, जो मेरी असली टांग थी वो ब्लो ऑफ हो गई, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई किसी तरीके से। इयर्स बैक, काफी साल पहले, लेमी लैम, लंगड़ा लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे कहते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने सुना नहीं उन बच्चों को ये कहते हुए? यू विल, तुम सुन लोगे। लेमी लैम, लंगड़ा लैम, इट फिट्स, और मुझे फिट करता है। डजेंट ट्रबल मी, मुझे तो इससे कोई ट्रबल नहीं होती। डैरी आगे से कहता है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, तुम ट्राउजर पहन सकते हो, इसको कवर कर सकते हो और कोई इसे देखेगा नहीं। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उन्हें नोटिस नहीं करना पड़ेगा और वो घूरेंगे नहीं। मिस्टर लैम्ब आगे से कहते हैं, सम डू, कुछ ऐसा करते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, फिर ये इससे ऊब जाते हैं। इन द एंड, आखिरकार, देर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, काफी और चीजें हैं घूरने के लिए। डैरी आगे से कहता है, हाँ, लाइक माई फेस, मेरे फेस, जैसे कि मेरा फेस है घूरने के लिए। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे कि क्रैब एप्पल्स, जैसे कि वीड्स, जैसे कि स्पाइडर क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर, जैसे कि स्पाइडर होता है वो चढ़ रहा होता है एक सिल्कन की सीढ़ी पर, एक सिल्क की सीढ़ी पर। और माई टॉल सन फ्लावर्स, या फिर मेरे जो फ्लावर्स हैं, सन फ्लावर्स, लंबे लंबे। डैरी, थिंग्स, चीजें। मिस्टर लैम कहते हैं, इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब रिलेटिव है, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट, सुंदरता और क्रूरता। डैरी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लोगों ने मुझे ये परियों की कहानियां पहले नहीं सुनाई। लोग कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, तुम वो नहीं होते जैसा तुम दिखाई देते हो, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, तुम वो होते हो जो तुम अंदर से होते हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता है, जो हैंडसम दिखाई देता है वो हैंडसम नहीं होता। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस, एक स्टोरी है ये, जो ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी वो किससे प्यार करने लगी थी? एक मॉन्स्ट्रस से, मॉन्स्ट्रस बीस्ट से। एंड वेन शी किस्ड हिम, प्रिंसेस ने उस मॉन्स्ट्रस बीस्ट को किस किया, ही चेंज इन टू ए हैंडसम प्रिंस, और वो किस में बदल गया? एक हैंडसम प्रिंस में बदल गया। ओनली ही वुडेंट, वही चेंज ना होता अगर प्रिंसेस उसे किस ना करती। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, मैं मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहता। आई वॉन्ट चेंज, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। मिस्टर लैम कहते हैं, इन दैट वे, हाँ उस तरीके से, डोंट, यू वॉन्ट, तुम चेंज नहीं होगे। डैरी, एंड नो वन विल किस मी एवर, और मुझे कभी कोई किस भी नहीं करेगा। ओनली माई मदर, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करती है, और वो भी कहाँ करती है? दूसरे साइड पर, मेरे फेस के दूसरे साइड पर, जिस तरफ से मेरा फेस जला हुआ नहीं है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी,
और मुझे ये बात भी पसंद नहीं है कि मेरी माँ भी मुझे किस करे. शी डज इट बिकॉज शी हैज टू. वो किस करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी माँ है. वाई शुड आई लाइक दैट? मैं इस चीज को पसंद क्यों करूं? आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी, अगर मुझे कोई कभी किस नहीं करता. मिस्टर लैम, ओ बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? क्या तुम इस बात की केयर करते हो कि तुम उनको कभी किस नहीं करते? डैडी कहता है व्हाट? क्या? मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, लड़कियां, प्रिटी गर्ल्स, सुंदर सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पीपल यू लव, वो लोग जिनको तुम प्यार करते हो. डैडी, हु वुड लेट मी? नॉट वन. कौन मुझे ऐसा करने देगा? कोई एक भी नहीं. मिस्टर लैम, हु कैन टेल? कौन बता सकता है? डैडी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट. मैं कभी अलग नजर नहीं आऊंगा. When I am as old as you, जब मैं उतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितने कि तुम हो. I will look the same, मैं same दिखाई दूंगा. I will still only have a half face, तब भी मेरे पास आधा ही face होगा, आधा तो जला हुआ है. Mr. Lamb, so you will, वो तो तुम्हारे पास ऐसे ही रहेगा. But the world won't, लेकिन दुनिया तो ऐसी नहीं रहेगी. The world's got a whole face, दुनिया का तो face पूरा है. And the world's there to be looked at. और दुनिया है देखने लायक. डैडी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? तुम सोचते हो ये दुनिया है? दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा गार्डन? शलैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूं, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड है एज मच एज एवरीवेयर. जैसे हर जगह मेरे लिए वर्ल्ड होता है, ये भी मेरे लिए वर्ल्ड है, संसार है, दुनिया है. डैडी कहता है डज योर लेग हर्ट यू? क्या तुम्हारी लेग में दर्द होता है, हर्ट होता है? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन में दर्द नहीं होता बॉय. डैडी, व्हेन इट केम ऑफ, जब ये अलग हुई थी, डिड इट, तब दर्द हुआ था? मिस्टर लैम, सर्टेनली, पक्का हुआ था. डैडी, एंड नाउ, अब, आई मीन, मेरा मतलब है, वेयर द टिन स्टॉप्स, जहां पे ये टिन खत्म हो जाता है, एट द टॉप, टॉप पर दर्द होता है? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, कभी कभार, इन वेट वेदर, जब गीला मौसम होता है तब दर्द होता है. इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है. डैडी, तो डैडी आगे से कहता है ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, एक बात और है जो लोग कहते हैं. वो मुझे समझाते हैं तो क्या कहते हैं? लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सब लोगों को देखो, हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ. उन लोगों को देखो जो पेन में है लेकिन बहादुर हैं, कभी रोते नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी सॉरी फील नहीं करते. मिस्टर लैम आगे से कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ये नहीं कहा. डैडी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारे से भी ज्यादा वर्स हैं, खराब हैं, उनके साथ तुम्हारे से भी ज्यादा गलत हुआ है. थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अंधे हो सकते थे, बोन डेफ, तुम बहरे पैदा हो सकते थे, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, हो सकता है तुम्हें व्हील चेयर में ही हमेशा बैठना पड़ता, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और तुम्हारा दिमाग भी खराब हो सकता था. ऐसा लोग मुझे कहते हैं. मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये बातें सच हैं, एंड यू नो इट, और तुम्हें ये पता है. डैडी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इन बातों से मेरा फेस तो चेंज नहीं होगा ना. डू यू नो वन डे, क्या तुम्हें पता है एक दिन, ए वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, एक वुमेन मेरे पास से निकली गली में. आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विथ अनदर वुमेन, वो किसी और वुमेन के साथ थी. एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मुझे देखा. एंड शी सेड, और उसने क्या कहा? विस्पर्ड, धीरे से बोली. ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैंने उसकी आवाज सुनी. शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, इसको देखो, दैट्स द टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज है. दैट्स अ फेस ओनली ए मदर कुड लव, ये तो एक ऐसा फेस है जिसको सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है. मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुम हर उस चीज पर विश्वास करते हो जो तुम सुनते हो. टेरी, इट वॉज क्रूअल, ये निर्दयतापूर्ण था. मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, क्या पता उसका मीनिंग ये ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, वो आपस में कुछ बात कर रहे हो. डैडी, ओनली आई हर्ड इट, सिर्फ मैंने सुना. आई हर्ड, मैंने सुना. मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, क्या तुमने किसी को कहते हुए सिर्फ यही एक बात सुनी है अपनी लाइफ में? डैडी कहता है ओ नो, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने काफी सारी चीजें सुनी है. मिस्टर लैम,
सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, अब तुम अपने कानों को बंद रखा करो अपने। डेरी, यू आर पिक्यूलियर, तुम विलक्षण हो, तुम अजीब हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीब सी बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछती हो जो मुझे समझ नहीं आते। मिस्टर लैंड, आई लाइक टू टॉक, मुझे तो बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे कंपनी भी पसंद है, लोगों का साथ पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, गेट खुला हुआ है। डेरी, यस बट मिस्टर लैंड, आई हैव ए हाइव ऑफ बीस बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता है उन पेड़ों के पीछे जो वहां पर है। सम हियर बीस एंड दे से, कुछ मधुमक्खियों की आवाज को सुनते हैं और कहते हैं बीस बस, ये जो मधुमक्खियां हैं वो बिन बिनाती हैं। बट वेन यू लिसन टू बीस फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम मधुमक्खियों को सुनते हो लॉन्ग वाइल, थोड़ी देर तक, दे हम, वो बिन बिनाती नहीं, वो गुनगुनाती हैं। एंड हम मीन्स सिंग, हम का मीन होता है सिंग करना, गाना। आई हेयर देम सिंगिंग, मैं उन्हें सिंगिंग करते हुए सुनता हूँ। माई बीस, मेरी मधुमक्खियाँ। डेरी, बट आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे पसंद आया। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। मिस्टर लैम कहते हैं, इफ यू हैड सीन मी यू वुडंट हैव कम इन, क्या तुम अंदर आए होते। डेरी, नो। मिस्टर लैम कहते हैं, नो डेरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। तब तो ये ट्रेसपासिंग होती ना, किसी की जमीन पर आ जाना, कब्जा कर लेना, ऐसा होता ना। मिस्टर लैम, ओ दैट्स नॉट व्हाई, ये कारण नहीं है। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों के नजदीक रहना ही पसंद नहीं करता। व्हेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं उन्हें देखता हूँ कि मेरे से डर रहे हैं। मिस्टर लैम उसको आगे से कहते हैं, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, तुम अपने आप को ना एक रूम में लॉक कर लो, बंद कर लो, और उस रूम को कभी छोड़ना मत। देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट, एक ऐसा ही आदमी था, उसने ऐसा किया भी था। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। यू सी, तुम देखो, ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में वो हर चीज से डरता था। क्या सोचता था, अब बस माइट रन ओवर हिम, कि बस उसको कुचल करना निकल जाए। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स इन टू हिम, कोई आदमी सांस ले और उसमें जम्प्स ना छोड़ दे। और ए डोंकी माइट किक इन टू डेथ, डोंकी उसे किक ना मारे और उसकी डेथ ना हो जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, उसके ऊपर बिजली ना गिर जाए। और ए माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, वो किसी लड़की से प्यार करे और लड़की उसे छोड़कर ना चली जाए। एंड ए माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बनाना स्किन के ऊपर स्लिप हो जाए, गिर जाए। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लॉफ, और जो लोग उसे देखेंगे वो हंसेंगे। तो वो हर चीज से डरता था। सो ही वेंट इन टू दिस रूम, वो रूम में गया एंड लॉक द डोर, और डोर को लॉक लगा लिया। एंड गोट इन टू हिज बेड, और अपने बेड में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रुका। डैरी ने आगे से कहा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। डैरी ने कहा, देन व्हाट, तब क्या हुआ। मिस्टर लैम, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, किल्ड हिम, एक पिक्चर दीवार से गिरी उसके सिर पर और वो मर गया। डैरी लाफ्स अ लॉट, डैरी को बहुत हंसी आती है। मिस्टर लैम, यू सी, डैरी कहता है, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग, तुम बातें तो अजीब ही करते हो। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम, किसी को अजीब लग सकती है। डैरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन करते क्या हो। मिस्टर लैम, सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। ओ यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम सोचोगे ये घर खाली है, बट इन साइड, लेकिन अंदर से इट इज फुल, ये भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें हैं और चीजें हैं, फुल भरा हुआ है। डैरी, बट देर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडोज, लेकिन खिड़कियों पर कोई पर्दे नहीं डाले हुए आपने। मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीजों को बाहर बंद कर दो, अंदर बंद कर दो, बाहर बैठे हो तो अंदर की चीजें दिखाई ना दे, अंदर चले जाओ तो बाहर की चीजें ना दिखाई दें, ये बातें मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट,
एंड द डार्कनेस. मुझे लाइट पसंद है और डार्कनेस अंधेरा भी पसंद है, नेचुरल. एंड द विंडोज ओपन, और विंडो खुली हुई. टू हेयर द विंड, मैं हवा की आवाज को सुनना चाहता हूँ. डेरी, यस, हाँ, आई लाइक दैट. मुझे भी ये पसंद है. व्हेन इट इज रेनिंग, आई लाइक टू हेयर इट ऑन द रूफ. जब बारिश होती है और छत पर पड़ने की बारिश की जब आवाज आती है, मुझे भी पसंद है. मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? इसका मतलब तुम पूरे अभी खोए नहीं हो. नॉट ऑल टूगेदर, पूरे नहीं खोए. यू डू हियर थिंग्स, तुम भी अभी चीजों को सुनते हो. यू लिसन, तुम ध्यान से सुनते हो. डेरी, दे टॉक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं. डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे, मतलब उसके पेरेंट्स बात करते होंगे. वो बताता है मिस्टर लैम को, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहां नहीं होऊंगा, व्हाट विल ही एवर डू, ये लड़का क्या करेगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम, इस लड़के का क्या होगा. व्हेन वी हैव गोन, जब हम चले जाएंगे, मतलब उसके पेरेंट बात करते होंगे कि हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो इस लड़के का क्या होगा. हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में ये कैसे चल पाएगा. लुकिंग लाइक दैट, ये तो दिखता ही ऐसा है. विद दैट ऑन हिज फेस, इसके फेस पर तो वो है. दैट्स व्हाट दे से, कहता है, ऐसा वो कहते हैं. मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारे पास दो बाजू हैं. टू लेग्स, दो लेग्स हैं. एंड आईज, और आंखें हैं. एंड ईयर्स, और कान हैं. एंड यू हैव गॉट ए टंग एंड ब्रेन, तुम्हारे पास तो टंग है, ब्रेन है, दिमाग है. यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम तो वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो. लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे बाकी लोग करते हैं. एंड इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट, अगर तुम चुनो और अपना माइंड लगा लो इस पर, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम तो लोगों से भी अच्छा कर सकते हो. डेरी, हाउ, कैसे. मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ. डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं. मिस्टर लैम कहते हैं, हंड्रेड्स. डेरी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, तुम रहते तो अकेले हो इस घर में. इट्स अ बिग हाउस टू, और ये घर भी बहुत बड़ा है. मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त हर जगह है. पीपल कम इन, लोग आते हैं. एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है. द गेट्स ऑलवेज ओपन, जो गेट है हमेशा खुला रहता है. दे कम एंड सिट हियर, वो यहाँ आते हैं और बैठते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और आग के सामने बैठते हैं सर्दियों में. किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे यहाँ आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए. एंड फॉर टॉफी, और टॉफी के लिए. आई मेक टॉफी विद हनी, मैं शहद से टॉफी बनाता हूँ. एनीबडी कम्स, कोई भी आता है. सो यू हैव कम, जैसे तुम आए हो. डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं, सर्टेनली यू आर, पक्का तुम मेरे दोस्त हो. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा ताल्लुक आता है. वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं सोचू तुम मेरे दोस्त नहीं हो. डेरी, यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं. यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और इवन वट माई नेम इज, तुम्हें ये नहीं पता मैं आया कहाँ से हूँ और मेरा नाम भी क्या है. मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. डू आई हैव टू ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन ए फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स लिखूं और एक फाइल बनाऊं तुम्हें अपना दोस्त बनाने से पहले. डेरी, आई सपोज नॉट, नो, ऐसा नहीं है. मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो. इफ यू चोज, अगर तुम्हें अच्छा लगे. एंड नॉट इफ यू डिडंट, और मत बताना अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता. तो डेरी आगे से कहता है, डेरी, मेरा नाम डेरी है. ओनली इट्स डेरेक, इट्स डेरेक है, बट आई हेट दैट, लेकिन उससे मुझे नफरत है. डेरी, डेरी ठीक है. इफ आई एम योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट, अगर मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं, तुम्हें मेरा दोस्त बनने की जरूरत नहीं है. मिस्टर लैम, सर्टेनली, क्यों नहीं. डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं शायद यहाँ दोबारा आऊं भी नहीं. यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तुम मुझे शायद कभी दोबारा देखो भी ना, तो क्या मैं तब भी तुम्हारा दोस्त रहूंगा. मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं. डेरी, हाउ कुड आई, वो मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हारा दोस्त. यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, बट यू नेवर सी देम अगेन, तुम गली में से निकलते हो, तुम लोगों से शायद बात भी करते हो और तुम उनको शायद दोबारा कभी देखो भी ना. इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये तो नहीं है वो तुम्हारे दोस्त हैं. मिस्टर लैम कहते हैं, डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं. क्या हैं. डेरी, नो, दे आर जस्ट नथिंग, कुछ नहीं है. पीपल, दैट्स ऑल, बस. मिस्टर लैम कहते हैं, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, लोग कभी भी जस्ट नथिंग नहीं होते, कुछ नहीं होते.
एवर डैरी देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ. मिस्टर लैम दैट्स वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, वो तुम्हें ज्यादा नुकसान देगा किसी भी एसिड की बोतल से भी ज्यादा. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस को जलाया. डैरी कहता है ओनली, मिस्टर लैम कहते हैं लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे बम ने सिर्फ मेरी लेग को ब्लो किया, उड़ाया, मतलब लेग को मेरी डिस्ट्रॉय किया. देयर इज अ वर्स्ट थिंग कैन हैपन, इससे भी बुरा हो सकता है. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो. डैरी ने आगे से कहा आफ्टर आई कम होम, जब मैं घर वापिस आया उसके बाद, वन पर्सन सेड, एक पर्सन ने पता है क्या कहा, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, ये लड़का अच्छा होता यहीं रुक जाता हॉस्पिटल में. ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर लाइक हिमसेल्फ, इसके लिए अच्छा होता ये अपने जैसे लोगों के साथ ही रहता. शी थिंक्स, वो सोचती है ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट्स बॉय विद इडियट बॉयज, कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ रुकना चाहिए और इडियट बॉयज को इडियट बॉयज के साथ रुकना चाहिए. और मिस्टर लैम कहते हैं पीपल विद नो लेग्स ऑल टूगेदर, और जिनकी टांगे नहीं है उनको इकट्ठे रहना चाहिए. डैरी दैट्स राइट, हाँ ठीक है. मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, किस तरीके की दुनिया होगी वो. डैरी एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक देम, कम से कम कोई घूरेगा तो नहीं क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो. मिस्टर लैम सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, तुम क्या सोचते हो तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे बाकी लोग हैं जिनके फेस जले हुए हैं. जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, बस इसी चीज से कि तुम वैसे दिखते हो. ओ एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर चीज अलग है. वो आगे कहते हैं एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर चीज सेम भी है लेकिन हर चीज अलग है इटसेल्फ, अपने आप में. डैरी कहते हैं हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, ये सारी बातें तुम कैसे सोचते हो. मिस्टर लैम वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, देखकर सुनकर सोचकर. डैरी आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, मैं भी ऐसी जगह पसंद करूँ. गार्डन आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन, मैं भी घर को पसंद करूँ जिसमें कोई पर्दे ना हो. मिस्टर लैम दैट्स गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला हुआ है. डैरी बट दिस इज नॉट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है. मिस्टर लैम एवरीथिंग्स यूअर्स इफ यू वॉन्ट इट, हर चीज तुम्हारी है अगर तुम चाहो. What's mine is anybody's. जो मेरा है वो सबका है. Daddy. So I could come here again. तो क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ. Even if you were out. चाहे तुम बाहर भी हो. I could come here. मैं यहाँ आ सकता हूँ. Mr. Lamb. Certainly. पक्का. You might find other here. तुम्हें शायद यहाँ और लोग मिले. Of course. Daddy. Oh. Mr. Lamb. Well. That need not stop you. लेकिन तुम्हें उससे रुकने की जरूरत नहीं है. You need not mind, तुम्हें mind करने की भी जरूरत नहीं है. Dairy, it would stop them, लेकिन ये उनको रोक देगी. They would mind me, मेरे आने का यहाँ पर mind करेंगे, बुरा मानेंगे. When they saw me here, जब वो मेरे को यहाँ देखेंगे, they look at my face and run, वो मेरे face पर भी देखेंगे और भाग जाएंगे. Mr. Lamb, they might, वो शायद, they might not, वो शायद ना भागे. You would have to take the risk, तुम्हें ये risk तो लेना पड़ेगा. So would they, और वो भी ये risk लेंगे. Dairy, no. You would, तुम लोगे. You might have me and lose all your other friends. तुम मुझे शायद अपना दोस्त बना लो और बाकी अपने सारे दोस्तों को खो दो. Because nobody wants to stay near me if they can help it. क्योंकि कोई भी मेरे पास रुकना नहीं चाहता. वो रुक ही नहीं सकते मेरे पास. Mr. Lamb, I haven't moved. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. Larry कहते हैं no. Mr. Lamb कहते हैं when I go down the street, जब मैं गली में जाता हूँ, the kids shout, बच्चे चिल्लाते हैं, Lamy Lamb, लंगड़ा लैम्ब. बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन वो फिर भी गार्डन में आते हैं. इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं. इट्स अ गेम, ये गेम है. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मेरे से डरते नहीं है. वाई शुड दे बी, और वो क्यों डरे. बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता. इसीलिए. डैरी डिड यू गेट यूर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारी ये लेग वॉर में चली गई थी. मिस्टर लैम्ब सर्टेनली हाँ. डैरी How will you climb a ladder? फिर तुम सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे. And get the crab apple down then? और ये छोटे छोटे जो खट्टे एप्पल हैं इनको कैसे नीचे लाओगे तोड़कर. Mr. Lamb, oh, there is a lot of things I have learned to do. काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने करना सीख लिया है.
एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास टाइम भी बहुत है सीखने के लिए, इयर्स काफी साल हैं, आई टेक इट स्टडी, मैं धीरे धीरे आराम से सीखता रहता हूँ। डैरी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम नीचे गिर जाओ और तुम्हारी गर्दन टूट जाए, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम घास पे लेटे होगे और मर जाओगे, इफ यू आर ऑन योर ओन, अगर तुम यहाँ पे अकेले हो तो। मिशेलैम, आई कुड, हाँ ऐसा हो सकता है। डैरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मिशेलैम, इफ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहते हो तो। डैरी कहता है, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मदर जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स ए 3 माइल होम, मैं घर से 3 माइल्स दूर हूँ, अक्रॉस द फील्ड्स, और खेतों के बीच में से, फील्ड्स के बीच में से आया हूँ। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ, बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन वो फिर भी जानना चाहते हैं मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग तो चिंता करते हैं। डैरी, पीपल फस, वरी नहीं करते, फस करते हैं, ऐसी परेशानी देते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उनको बता के आ जाओ। डैरी, इट्स ए 3 माइल्स, 3 माइल दूर है। मिस्टर लैम, इट्स ए फाइन इवनिंग, अच्छी शाम है आज, यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पास टांगे हैं। डैरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, एक बार मैं घर चला गया वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम, एक बार तुम घर चले गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम खुद ही अपने आप को नहीं आने दोगे। डैरी, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो वट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो दैट, सिर्फ तुम ही जानते हो वो। डैरी, इफ आई चोज, अगर मैं चुनू तो, अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम, ओ इफ यू चोज, अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे हर बात नहीं पता लड़के। आई कांट टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या करना है। डैरी, दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है। डैरी, आई डोंट नो वट आई वॉन्ट, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो किसी के पास ना हो और कभी किसी के पास वो चीज ना आए। समथिंग जस्ट माइन, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरी हो। लाइक दिस गार्डन, इस गार्डन की तरह। आई डोंट नो वट इट इज, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या चीज है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। डैरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम कहते हैं, वेटिंग, इंतजार करो, वॉचिंग, देख कर, लिसनिंग, सुनकर, सिटिंग हियर, यहाँ बैठ कर, और गोइंग देयर, और वहां जाकर। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे अब अपनी मधुमक्खियों को देखना है। डैरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, जो और लोग यहाँ पर आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं, आस्क यू थिंग्स, तुमसे कुछ पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू, कुछ करते हैं, सम डोंट, कुछ नहीं करते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। डैरी, आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उन लोगों में विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कभी कोई आता भी है। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स, तुम यहाँ पे हो बिल्कुल अकेले हो, बुरी लाइफ को जी रहे हो और किसी को पता भी नहीं होगा तुम जिंदा हो या मर गए, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम सोच लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। डैरी, ऑल राइट देन, अच्छा ठीक है, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, जो लोग यहाँ पे आते हैं मुझे उनके नाम बताओ जरा। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, नेम्स क्या है। टॉम, डिक और हैरी, तो वो कहते हैं टॉम, डिक और हैरी। टॉम, डिक और हैरी एक फ्रेज है इंग्लिश में, जब हम ऐसे ही कॉमन पीपल के लिए कह देते हैं, कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं है। तो मिस्टर लैम उठते हुए ये बात कहते हैं, आई एम ऑफ टाउन टू द बीस, मुझे अब जाना है अपनी मधुमक्खियों के पास। डैरी, आई थिंक यू आर डेफ, क्रेजी, मैं सोचता हूँ तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है। डैरी, व्हाट फॉर, किसके लिए बहाना है। यू डोंट टॉक सेंस, तुम समझ की बातें नहीं कर रहे, सेंस की बातें नहीं कर रहे। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना है यहाँ ना आने का वापस। एंड यू हैव गॉट ए बर्नड फेस, और कहते हो कि तुम्हारा जला हुआ फेस है। दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज। डैरी कहता है, यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरे लोगों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी वैसी बातें करते हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम सॉरी फील नहीं करते मेरे फेस के लिए, तुम्हें दुख नहीं है। यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तुम अंदर से डरे हुए हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, तुम सोचते हो मैं भद्दा हूं शैतान की तरह। आई एम माई डेविल, मैं डेविल हूं, डोंट यू, क्या तुम नहीं हो। शाउट्स, वो चिल्लाता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम्ब उसका जवाब नहीं देते। He has gone to his bees, क्योंकि वो अपनी मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं। डैरी, क्वाइटली, चुपचाप, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। पॉज करता है, रुकता है।
टेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, उठता है और जोर से चिल्लाता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊंगा, यू सी, तुम देख लेना, यू वेट, तुम इंतजार करना, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ, आई हैवंट गॉट इन अ टिन लेग, मेरी टांग टिन की नहीं है, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा, डेरी रन्स ऑफ, भागता है, साइलेंस, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, फिर आवाज आती है, गार्डन की आवाज फिर से आती है जब वो भागता है, मिस्टर लैम्प अपने आप से बातें कर रहे हैं, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, ओ यू नो, तुम्हें पता है, वी ऑल नो, हमें सब पता है, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, दे नेवर डू डू, हालांकि वो वापस कभी नहीं आते, नॉट देम, वो नहीं आते, नेवर डू कम बैक, कोई वापस नहीं आता, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई भी वापस नहीं आता। और उसके बाद जो गार्डन की नॉइजेज हैं, शोर है, थोड़ा फेड हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होने लगता है। अब सीन टू स्टार्ट होता है, डेरी का घर है, डेरी अपने घर पहुंच चुका है, तो डेरी की जो मदर है वो क्या कह रही है, You think I don't know about him? तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं है उसके बारे में? You think I haven't heard things? मैंने कुछ सुना नहीं है? डैडी, You shouldn't believe all you hear. तुम्हें उन सब बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जो तुम सुनती हो. Mother, being told, तुम्हें कई बार बताया गया है, warned, warning दी गई है. We have not lived here 3 months. हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने नहीं हुए हैं. But I know what there is to know. लेकिन मैं वो जानती हूँ जो जानने लायक है. And you are not to go back there. अब तुम वहाँ वापस नहीं जाओगे. Daddy, what are you afraid of? तुम किससे डरी हुई हो? What do you think he is? तुम क्या सोचती हो वो कौन है? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden. वो एक बूढ़ा आदमी है जिसके टिन की लेग लगी हुई है, एक बड़े से घर में रहता है और बिना पर्दों के रहता है, और उसके पास एक गार्डन है. And I want to be there. और मैं वहां जाना चाहता हूँ. And sit, वहां बैठना चाहता हूँ. And listen to things, और चीजों को सुनना चाहता हूँ. Listen and look, सुनना और देखना चाहता हूँ. Mothers, listen to what, क्या सुनना चाहते हो? Dairy, bees singing, मधुमक्खियों को गाते हुए. Him talking, उसे बात करते हुए. Mother, and what has he got to say to you? और उसने तुमसे क्या कहना है? Dairy, things that matter, वो चीजें जो matter करती हैं. Things nobody else has ever said, वो चीजें जो कभी किसी ने नहीं कही. Things I want to think about, वो चीजें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ. Mothers, then you stay here and do your thinking. यहीं रुको और यहीं पर सोचो. You are best of here, तुम यहीं पे ठीक हो. Daddy, I hate it here, मुझे यहाँ नफरत है. Mother, you can't help the things you say. तुम्हें बुरी बातों का अनुभव होना natural है. And say, और उन्हें कह देना. I don't blame you, मैं तुम्हें blame नहीं देती. Daddy, आगे से कहता है, It's got nothing to do with my face. इसका मेरे फेस के साथ अब कोई लेना देना नहीं है. And what I look like, और मैं कैसा दिखाई देता हूँ. I don't care about that. मैं उसके बारे में care भी नहीं करता. And it is not important. और ये important भी नहीं है. It is what I think and feel and what I want to see and find out and hear. Important ये है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसा feel करता हूँ, क्या मैं देखना चाहता हूँ, क्या मैं पता लगाना चाहता हूँ और क्या मैं सुनना चाहता हूँ. And I'm going back there. और मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ. Only to help him with the crab apples. उसकी help करने में, crab apple को तोड़ने में. Only to look at things and listen. चीजों को देखना चाहता हूँ मैं और सुनना चाहता हूँ. इसके लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ. But I'm going. लेकिन मैं जा रहा हूँ. Mother कहती है, You will stop here. तुम यहाँ रुकोगे. Daddy, oh no, because if I don't go back there, अगर मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा, I will never go anywhere in this world again. इस दुनिया में मैं फिर कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा. The door slams, जो door है वो slam होता है, जोर से पटकता है. Dairy runs, panting, Dairy भागता है, हाँफता हुआ. And I want the world, I want it. मुझे दुनिया चाहिए, मैं ये चाहता हूँ. I want it. The sound of his panting fades. जो उसके हाँफने की आवाज है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. Scene 3. मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन के साउंड है, द नॉइज ऑफ ए ब्रांच, शोर आता है, ब्रांच शिफ्ट हो रही है, एप्पल्स थंपिंग डाउन, एप्पल नीचे गिर रहे हैं, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, ब्रांच दोबारा शिफ्ट हो रही है, मिस्टर लैम्स स्टडी, दैट्स गॉट इट, ये मैंने तोड़ लिया, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, और एप्पल गिरते हैं, एंड अगेन दैट्स इट, फिर वो कहते हैं दैट्स इट, एंड एक क्रीक, एक साउंड सी आती है, एक क्रैश का साउंड आता है,
द लैडर फॉल्स, जो सीढ़ी है वो गिर जाती है पीछे, मिस्टर लैम्स विद इट, इसके साथ मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं, एक थंप की आवाज आती है, द ब्रांच स्विशेस बैक, ब्रांच तेजी से आवाज करती हुई पीछे जाती है, क्रीक की आवाज आती है, चरमराने की आवाज आती है, देन साइलेंस, तब चुप्पी हो जाती है, डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, डैरी गार्डन के गेट को खोलता है, स्टिल पेंटिंग, अभी भी हाफ रहा है, डैरी यू सी तुम देखो आई केम बैक, मैं वापस आ गया, यू सेड आई वुडंट, तुमने कहा था मैं वापस नहीं आऊंगा, बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, ही स्टॉप्स डेड, वो एकदम थम कर रुक जाता है, चुप हो जाता है, मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घास से भागता है, स्टॉप नील्स, घुटनों के बल नीचे झुक जाता है, नीचे जमीन पर बैठ जाता है, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, ठीक है, यू फेल, तुम नीचे गिर गए, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, आई केम बैक, मैं वापिस आ गया, लेमी लैम, लंगड़े लैम, मैं वापिस आ गया, आई डिड कम बैक, देखो मैं वापिस आ गया, डैरी बिगिंस टू वीप, फिर डैरी रोने लग जाता है, शायद मिस्टर लैम मर चुके होते हैं, उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेसन एंड होता है, लेकिन अगर आपको मैं ब्रीफ में इसकी स्टोरी बताऊं तो शुरू में जो डैरी था उसकी जो सोच थी बिल्कुल नेगेटिव थी, वो सेक्लूडेड जगह ढूंढता था, एकांत जगह ढूंढता था और लोगों से दूर रहता था, अलग रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि लोग मुझे अवॉइड करते हैं और लोग मुझे घूरते हैं। लेकिन जब वो मिस्टर लैम से मिला तो मिस्टर लैम ने उसकी सोच को बदल दिया, उसकी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, उसकी आउटलुक को पॉजिटिव कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए, पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया वीड्स का, कि वीड्स को लोग क्या समझते हैं, जो जंगली घास होती है उसे कूड़ा करकट समझते हैं, लेकिन जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जैसे फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनको लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन सब प्लांट्स में कोई फर्क नहीं है, सब में एक जैसी लाइफ है, बस ऊपर से दिखने में अलग हैं। वो समझाना चाहते थे डैरी को कि तुम अगर अलग दिखते हो तो कोई फर्क नहीं, तुम्हारे में भी वैसी लाइफ है जैसे कि और लोगों में लाइफ है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बीस का, मधुमक्खियों का। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मधुमक्खियां भिन बिना रही हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें ध्यान से सुनो और थोड़ी देर तक सुनो तो वो भिन बिना नहीं रही, वो गुनगुना रही हैं। ये हमारी आउटलुक पर, हमारी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। फिर उन्होंने उसको ये समझाया, अगर तुम्हारा फेस पूरा नहीं है तो दुनिया का तो फेस पूरा है, दुनिया तो देखने लायक है, उसको तुम्हें देखना चाहिए, उसी में जीना चाहिए। और फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि एक लड़का जो हर चीज से डरता था, वो एक रूम में चला गया और रूम में बेड पर चला गया और उसने अपने आप को शट कर लिया, रूम में बंद कर लिया, लेकिन रूम में भी क्या हुआ, एक पिक्चर गिरी उसके सिर पर और उसकी डेथ हो गई। तो मतलब डेथ कहीं भी आ सकती है, हम जैसे भी हैं, हमें दुनिया का मुकाबला वैसे ही करना है, ब्रेवली करना है, हमें दुनिया से डर डर कर नहीं रहना। और उन्होंने लास्ट में से ये भी समझाया, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम्हारे पास हाथ हैं, तुम्हारे पास दिमाग है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। तो मिस्टर लैम ने उसे कुछ एग्जाम्पल देकर उसकी सोच को बदल दिया और लास्ट में हम देखते हैं कि जो डैरी था उसकी सोच बिल्कुल बदल गई थी। उसने अपनी मदर को भी ये कहा था कि तुम्हें हर चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए जो लोग कहते हैं, मैटर वो चीज करती है जो मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देख सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।